मृत्यु जिला पंचायत सदस्य बुधराम कश्यप की नक्सलियों ने हत्या कर दी। घटना की जिम्मेदारी नक्सलियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने ली है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद न सिर्फ तालनार इलाके में बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों में खौफ देखा जा रहा है। मृतक बुधराम के छोटे भाई गुलशन ने बताया कि रात जब बुधराम भोजन करने की तैयारी में थे, तभी नक्सली उनके घर पर आ धमके और उन्हें पकड़कर घर से बाहर ले गए। विरोध करने पर नक्सलियों ने गुलशन को गन प्वाइंट पर दूर रहने को कहा। इसके बाद बुधराम पर कॉरपोरेट घराने से ताल्लुक रखने, पुलिस सुरक्षा में सड़क निर्माण लोन वारंट जैसे अभियान में पुलिस का सहयोग करने का आरोप लगाते हुए धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। घटना स्थल पर नक्सलियों ने पर्चा भी छोड़ा है। गौरतलब है कि इससे पूर्व नक्सली 2009 में इसी परिवार के एक सदस्य लक्ष्मण कश्यप की भी हत्या कर चुके हैं। तो बताए सर, जैसे अभी मैंने कहा, वहाँ से उठा के लाने के बाद यहाँ ला के मारे। मारने के बाद फिर कुछ 10 मिनट उन लोग जान जाते तक थे, उसके बाद फिर ये रास्ता में दक्षिण दिशा की ओर चले गए थे। और बाकी जो पाम्पलेट, 4 पाम्पलेट वहाँ कुछ दूरी पे के कुछ दूरी पर वहीं जहाँ मारे वहाँ पे दिए। कल दिनांक 26/3 को रात्रि करीब 7:45 के आसपास कुछ नक्सली इनके हमारे जिला पंचायत सदस्य बुधराम कश्यप घर आए और उनको बातचीत करने के बहाने घर से बाहर ले जाके उनकी ट्यूशन हत्या कर दी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।